फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। जो टेक्नोलॉजी है वो फिजिक्स के एप्लीकेशन ही है ठीक है ये प्रिंसिपल ऑफ एप्ली प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पज तो इसके लिए वी विल नो विद देल्प ऑफ ए एग्जाम्पल सपोज फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट तो फिजिक्स से एक थर्मोडाइनमिक्स जो ब्रांच है वो निकली और यहाँ से थर्मोडाइनेमिक्स क्या है इन थर्मोडाइनमिक्स में हम स्टडी करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की हीट एंड्रॉफी इंटरनल एनर्जी ये इन सारी चीजों की स्टडी करते हैं तो इसने थर्मोडाइनमिक्स ने डिस्कवर किया स्टीम इंजन को स्टीम इंजन इसके जो प्रिंसिपल थे रूल्स थे एप्लीकेशंस थे उनकी हेल्प से स्टीम इंजन का फॉर्मेशन हुआ अप हुआ स्टीम इंजन उसके बाद इस स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया गया और स्टीम इंजन के बन जाने से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी वी नो दैट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन एटीन सेंचुरी इंग्लैंड इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हो क्योंकि स्टीम इंजन बन जाने से हमारे इंडस्ट्री का इस्टेब्लिसमेंट हुआ ट्रेन्स बाद में ट्रेन्स रेलगाड़ियाँ चलना स्टार्ट हुई तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसकी देन है फिजिक्स की ठीक है ना अभी टॉक अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी फिजिक्स गिव्स एंड जनरेट्स न्यू टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी सपोज दैट टेक एन एग्जाम्पल कंप्यूटर और कंप्यूटर रेबुलेशन कंप्यूटर रेबोलेशन की देन भी फिजिक्स की ही देन है ठीक है टेक्नोलॉजी की देन है टेक्नोलॉजी किस पर बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स पर फिजिक्स के जो प्रिंसिपल हैं उन पर जैसे शुरू में क्या था हमारे टीवी थे वो वैक्यूम ट्यूब से बनते थे तो बहुत लार्ज साइज में होते थे बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हो जाता था धीरे धीरे उनकी वैक्यूम ट्यूब की जगह को रिप्लेस रे किया ट्रांजिस्टर ने ट्रांजिस्टर के बाद उन्हें रिप्लेस किया आई ने इंटीग्रेटेड सर्किट ने और आई जो कि उसे रिप्लेस किया माइक्रोप्रोसेसर ने और सिलिकॉन चिप ने उसके बाद हमारी यहाँ से कंप्यूटर रेवोल्यूशन हुई अब आप देखते हैं जो एल हैं टी हैं वो फ्लैट आ रही हैं ठीक है ठीके? और सिलिकॉन चिप और इस सिलिकॉन चिप से हमें कंप्यूटर रेवोल्यूशन में डेवलपमेंट हुआ और सिलिकॉन चिप ये इसको स्टडी करेंगे सिलिकॉन चिप के बारे में हम इन सेमीकंडक्टर में और सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर दोज मटेरियल्स विच हैव कंडक्टिविटी लेस टू कंडक्टर एंड कंडक्टिविटी मोर फ्रॉम इंसुलेटर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से मैक्सिमम होती है और ये मॉडर्न फिजिक्स का हमारा पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स में हम सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करते हैं ओके okay? जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इन से हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ नाउ टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड बेसिक प्रिंसिपल फिजिक्स जैसे स्टीम इंजन है स्टीम इंजन इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और ये बेसिक प्रिंसिपल फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल हैं, इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगता है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ओके लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स सेकंड है रॉकेट प्रोपल्सन इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थर्ड है ऑप्टिकल फाइबर इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर इसमें फेराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एरोप्लेन एरोप्लेन इसमें बर्नोलीज प्रिंसिपल फोटोसेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन रेडियो टेलीविजन इसमें कौन सा प्रिंसिपल है फिजिक्स का प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेटिक बेब्स जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें रोल ऑफ डी एन ए इन हेरेडिटी कंप्यूटर ये डिजिटल लॉजिक्स तो मोस्टली यहाँ हमें एक शॉर्ट नॉलेज के रूप में समझना है रूल्स और प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर समझने की ज़रूरत नहीं है ओके okay? यहाँ सिर्फ मेरा पर्पज़ यही है कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है ओके okay?